हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी सेंटर पर आपका बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपने देखा ना हो तो ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जो हम सीरीज लेके आए हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और चलिए हम समय न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों इसका जल्दी से उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही है डी, लक्षद्वीप सही आंसर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामने सुंदरवन या मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डेल्टाई पश्चिम बंगाल। और याद रखना दोस्तों, जो डेल्टाई पश्चिम बंगाल होता है इसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों एक बात और याद रखना, जो पश्चिम घाट है इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा महानदी। दोस्तों महानदी सही आंसर है। अगला फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एकीकृत इस्पात षड्यंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये आपने पंचवर्षीय के अंतर्गत ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो आपको वहाँ पे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला तीनों मिले होंगे, परंतु जो जमशेदपुर है वो नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। दोस्तों जमशेदपुर सही आंसर है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके दोस्तों बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है रणजीत सागर बांध। क्या दोस्तों? रणजीत सागर बांध सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ये बताना दोस्तों, इनमें से तीन जोड़ा जो है गलत हैं और एक जोड़ा जो सही है उसको आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कवास, गुजरात में है, और बाकी ये तीनों गलत हैं दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है। किस वन की उदाहरण? अभी दोस्तों पढ़ा था, जो पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। दोस्तों किसका उदाहरण? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है वही बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, तो सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र सही है। अगला क्वेश्चन चलिए देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों आंसर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो सही आंसर है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड ऐसा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा किसके साथ नहीं लगी हुई है? मिजोरम के साथ नहीं लगी हुई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वे स्थित हैं। तो देख लेते हैं सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स, ए नंबर, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, ए का 4 तो भद्रा वाला हो जाएगा कर्नाटक, और बी का 3 हो जाएगा लोअर भवानी का हो जाएगा तमिलनाडु, और सी का 1 हो जाएगा इटुक्की का हो जाएगा केरल, और डी नागार्जुन का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार सही आंसर सी है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके अलग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अवशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो सही राइट आंसर है दोस्तों चेन्नई, चेन्नई सही आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से फ्रेंड्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश आंसर सही होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात षड्यंत्र कहाँ स्थित है? इसका फ्रेंड्स कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम सही आंसर है दोस्तों।